अस्सलाम वालेकुम। पनामा का हंगामा, कुछ फैसला होगा, कुछ निकलेगा इस केस से जो पाकिस्तानी कौम के 8-9 माह इसके ऊपर सर्फ हुए उस इंसाफ की और उस सच की तलाश में कि असल में ये जो कंपनियां थी कैसे बनी, पाकिस्तान से बाहर पैसा गया कैसे। अब जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस आया है, तो आज एक जज साहब ने के ऊपर जब सवाल चल रहा था तो मरियम के वकील ने कहा कि मरियम तो एक आम पाकिस्तानी शहरी है, उसका केस आप क्यों सुन रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि उसके ऊपर इल्ज़ाम यह है कि वो प्राइम मिनिस्टर की फ्रंट मैन के तौर पर इस तमाम अमल में एक्ट कर रही है, इसलिए उनका केस सुना जा सकता है, क्योंकि दायरा इख्तियार के ऊपर जो उनके वकील थे वो चैलेंज कर रहे थे कि कोर्ट को सुनना ही नहीं चाहिए। फैसला क्या होगा या नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट इतना बड़ा मुश्किल फैसला कर पाएगी क्योंकि शरीफ ख़ानदान पाकिस्तान का इस वक्त सबसे ज़्यादा तवील अरसा हुकूमत में रहने वाला ख़ानदान है। वज़ीर आज़म साहब सबसे तगड़े इस वक्त पाकिस्तान के अगर पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ में से देखें तो सबसे तगड़े आदमी हैं। 1980-81 से लेकर आज तक एक सवाए वो मुशर्रफ वाला दौर निकाल दें तो मुसलसल हुकूमत में है, ये सेंटर में भी रहते हैं हुकूमत में, ये और पंजाब में भी इनकी हुकूमत या ख़ुद कायम रही या इनके भाई की हुकूमत कायम रही। तो ये लुबे लुबाब है जिसके ऊपर आज हम प्रोग्राम में सवाल जवाब करेंगे। और हमारे साथ मेहमान थे चौधरी एतजाज़ अहसन, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। ये फरमाइएगा कि सुप्रीम कोर्ट में अब काफ़ी अरसा लग गया जो सवाल जवाब हो रहे हैं, उस आज उन्होंने कह दिया कि ये तो सारे साइन ही नकली हैं, ये तो डॉक्यूमेंट्स ही असल नहीं है। आज तक हम समझ रहे थे कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स मरियम के साइंड हैं। पूरी दुनिया में किसी ने ICIJ को चैलेंज भी नहीं किया, शरीफ फैमिली ने भी नहीं किया, बल्कि फ्लैट भी मान लिया कि फ्लैट भी हमारे। अब उन्होंने कहा दस्तखत जानी है सर। नदीम साहब, मैं तो समझता हूँ कि अभी तक जितना भी वक्त गुजरा है जो रियल इशू है उस तरफ ना जज आए हैं और ना वकला। नवाज शरीफ के वकला तो चाहेंगे कि उधर जाए, नज़र ही ना जाए, बट जजेस की और मुद्दईयों की वकला की तो कोशिश होनी चाहिए कि जो एलिफेंट इन द रूम है, जो रियल इशू है, उसकी तरफ तो बात हो। जजेस की क्यों नज़र नहीं जा रही? मैं कुछ नहीं कह सकता, बड़े जीरक जज हैं, पांचों बहुत जीरक तजर्बाकार जज हैं, पर उनका इस वक्त देखे इशू तो ये है कि ये एवनफील्ड फ्लैट्स हैं, ये प्रॉपर्टी अरबा रुपए की, ये शरीफ ख़ानदान ने तस्लीम कर लिया, बेटे ने की, बाप ने की, बाप का नाम आया बेटे का। इस पर मैं आपका कोई सवाल आप इस पर अब मज़ीद पूछेंगे तो मैं ज़रूर रख कर जी ज़रूर। पर शरीफ ख़ानदान की वो फैमिली प्रॉपर्टी तस्लीम शुदा। अब एक ही इशू है, अब मुद्दईयों के वकला को तो पूछने का कुछ सवाल ही नहीं पैदा होता कि जी आप वो सबूत करें, साबित करें। वो क्या साबित करें? उन्होंने तो ये साबित करना था कि ये प्रॉपर्टी कीमत प्रॉपर्टी 8 अरब रुपए की प्रॉपर्टी ये इस पाकिस्तानी की है जिसका बाप होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस है, जिसका बाप होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस है, ये साबित कर दो। अब उसके बाद जज जाने और वो जाने जिसके नाम वो प्रॉपर्टी है और उसका बाप जाने जो होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस है, ये फिर उन्होंने साबित करना है कांपते हाथों से। नैब के सामने ये पेश हुए होते, ये इनको मुश्क कांप रहे होते और कह रहे होते कि ये जी ये पैसा इस तरह आया। और पूरी मनी ट्रेल, और मनी ट्रेल से मुराद नदीम साहब ये नहीं है कि आप 1 या 6, 10 या 12 कतरी या सऊदियों अरबों के खत ले आए और कहे वो एक क्या मैंने 10 मिलियन पाउंड दिया था इस वक्त, दूसरा क्या मैंने 50 मिलियन पाउंड दिया था, तीसरा क्या 100 मिलियन पाउंड दिया था। दिस इज नॉट द मनी ट्रेल। द मनी ट्रेल इज के 1978 मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने टर्मिनस एट को किया है, जहाँ से आगाज उनकी दास्तान का होता है, और वो गल्फ स्टील मिल से। उसके बाद वो तो जद्दे सीधा ले गए थे पैसा, पर कतरी खत की वजह से वो कतरी हानी थानी फैमिली की बिजनेस में चला गया। वो बिजनेस में 26 साल पैसा रहा, उसके बाद वो जद्दे की मिल में गया। और फिर अब मियाँ साहब कहते हैं जद्दे की मिल में गया वो पैसा, कतरी ख़ानदान कहता है कि हमने वो पैसा लंदन में ख़रीद के ये अपार्टमेंट्स और हुसैन को दे दिए।
एक-एक दिन की स्टेट बैंक स्टेटमेंट पेश होनी चाहिए, एक-एक एंट्री। अब वो बिजनेस में, अगर कतरी बिजनेस में था, बिजनेस का मुराद है कि आपके पास बैंक में पैसे आ रहे हैं, किसी महीने 50,000 पाउंड आए हैं, किसी महीने 40,000 पाउंड आए हैं, किसी महीने 2 लाख पाउंड आए बैंकिंग हैं, ट्रांजैक्शंस होंगी ना बैंकिंग सारी। ट्रांजैक्शन, कभी विड्रॉल फिर हुए हैं, फिर उनमें से डिपॉजिट्स हुए हैं, विड्रॉल्स हुए हैं, किसने किए, सारे शरीफ्स के, सारे शरीफ, ऑल शरीफ्स के ऑल बैंक अकाउंट्स। अगर मरियम के 6 बैंक अकाउंट्स हैं, 6 बैंक अकाउंट्स 78 से लेके 2006 सर तक। 78 में तो वो पैदा नहीं हुई, वो नहीं दे अच्छा पाएगी। चलिए, अच्छा ये मुझे एक इशू है सामने एतजाज साहब, जो बुनियादी सवाल है। 5 जजेज हैं और काफ़ी अरसा इस पे लग गया, दूसरी दफ़ा बेंच तश्कील पाया, उसके अंदर क्या ये बुनियादी सवाल सबसे पहले ही रखा जाना चाहिए? ये पहला सवाल ही है, तो फिर ये सवाल क्यों नहीं हो रहा हमें पूरे? पहला सवाल सॉरी ये था कि ये फ्लैट्स किसके हैं, वो मान लिए वो फैमिली, मान लिया। या तो फैमिली मानती ना तो मुश्किल होती है बंदा बिल्कुल हमारे। बिल्कुल, अल्लाह भला करे आपका। अगर ना माना होता तो मैं आपको सच बता रहा हूं, चाहे इनका इसी तरह इनका होता, इन्हीं का होता, ये साबित करना मुद्दई पटिशनर्स के लिए बड़ा नामुमकिन था। क्योंकि वेल्स के पीछे देखें, अभी भी नजर आता है पर्दों के पीछे कि एवन फील्ड फ्लैट्स की ओनरशिप है नेस्कॉल नीलसन, दो कंपनी है, वो ब्रिटिश वर्जिन आइल्स में रजिस्टर्ड है। वहां आप, कानून आपको इजाजत नहीं देता कि आप जाके दरखास्त दें और कहें कि जी बताएं इसके ओन कौन करता है। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट तो कर सकते हैं, वो फाइनेंशियल नहीं, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से, वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स को नहीं फाइनेंशियल कुछ मिल सकता, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी एफआईए से है, कर सकते हैं, वो भी फिर वो बड़ा लिमिटेड है उसका लिमिटेड स्कोप। एक्सेस। उसका स्कोप है कि ड्रग बनी बताएं, उसका स्कोप है कि ये एक टेररिस्ट फाइनेंस बताएं, फिर वो बताते हैं, वरना नहीं। दुरुस्त है, वो इमरान खान को नहीं बताएंगे। किसी इंडिविजुअल को नहीं अच्छा, बताएंगे। अब उसके पीछे एक और पर्दा है कि नेस्कॉल और नीलसन को ओन करती है मिनर्वा, मिनर्वा के पीछे बैठी हुई है मरियम नवाज। आप नेस्कॉल का पर्दा भी नहीं उठा सकते, मिनर्वा का भी नहीं उठा सकते, तो पीछे ये तो बड़े इत्मीनान से बैठे हुए थे, ये तो लीक्स हो गए, ये तो बड़े इत्मीनान से बैठे हुए थे। एतजाज साहब, लेकिन हर चीज़ का जो ICIJ ने जारी की, अभी भी वो उसके दोबारा पेपर्स जारी कर रहे हैं, वो जर्नलिस्ट ICIJ के जो थे जिन्होंने ये डॉक्यूमेंट्स के ऊपर तहकीक की, वो इल्ज़ाम ब्राह रास्त नाम लेके डॉक्यूमेंट पोस्ट करके लगाते हैं कि मरियम इज़ द बेनिफिशियल ओनर, साइन किया हुआ ये। उनके वकील ने अदालत में कहा नीलसन का डॉक्यूमेंट जाली, दस्तखत जाली, नेस्कॉल जाली, मिनर्वा उन्होंने कहा ये तो भाई की है, मैं ट्रस्टी हूँ, फ्लैट सारे हुसैन के हैं, मैं ट्रस्टी हूँ, ये जो लोन लिया था ये भी उसका था, मैंने सिर्फ एज ट्रस्टी हैंडल किया। हाउ टू एस्टैब्लिश इट, ये तो फिर अदालत का काम है, उन्हें कहे लाओ ट्रांजेक्शन लाओ। दो तीन चीजें, पहली तो चीज ये है कि अगर ये कहते हैं कि ये जाली डॉक्यूमेंट्स ICIJ को सू करें, नहीं किया दुनिया में किसी ने भी, नहीं किया दुनिया में बाकी तो मान रहे हैं ना, इन्होंने, प्रॉपर्टी मान ली, डॉक्यूमेंट कहते हैं जाली है। बाकी तो दुनिया में सारे, किसी ने चैलेंज नहीं किया उन डॉक्यूमेंट्स को, ये तो चैलेंज कर रहे हैं ना। अगर चैलेंज कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, तो सू करें उधर हाई कोर्ट ऑफ इंग्लैंड में। और अगर BBC इसको चलाती है, अगर जर्मन अखबार चलाता है, तो उन सू करें। सर BBC के ऊपर सू किया है ना, APP ने एक जाली खबर चलाई है हमारी उसके ऊपर। वैसे अच्छा हमारी इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर के ऊपर आप लोगों को सेनेट में जवाब तलबी नहीं करती, स्टेट एजेंसी के ऊपर मुझे नहीं समझ आता। APP सरकारी एजेंसी है, सरकारी खबरसा इदारा, पूरी दुनिया खबर चलाता है उसकी कि पाकिस्तान के सरकारी खबरसा इदारे ने ये खबर शाया की है, उसके ऊपर जाली फेक न्यूज़ हमने शाया कर दी। कोई प्रोपोगंडा की भी हद होती है वैसे, इसके ऊपर इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर को तलब करना चाहिए। हम खैर देखेंगे इसको, पर ये भी मतलब है, ये इनको सू करना चाहिए। दूसरी चीज जो मैं अर्ज कर रहा था कि इनका ये डिनाई करते हैं सारा, अदालत के लिए, ये जो अदालत के लिए करने का काम है वो ये है कि आपकी जो पोजीशन है आप वो एफिडेविट पे और
उन मटेरियल सारा जो आप एडमिट करते हैं उसको उस पे दें और ओरिजिनल्स लेके आए। एक दो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओरिजिनल कौन लाए? श्री फैमिली लाए? श्री फैमिली जिसके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी तो उनकी है ना, प्रॉपर्टी तो उनकी है, ये तो उनके पास कानून शहादत ऑर्डिनेंस है, आर्टिकल ऑर्डर है आर्टिकल 129 सब क्लॉज जी के, जिसके पास एविडेंस हो और वो विदहोल्ड करे वो समझा जाएगा कि उसके एडवर्स था, उसके खिलाफ था वो शहादत, वो सबूत, तो ये लाना उनका खुद। लेकिन इससे और ज्यादा जो ज्यादा अहम है, अदालत को चाहिए इनको कहे कि आप एक हर एक 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 अथॉरिटी, जनरल पावर ऑफ अथॉरिटी एक्सिक्यूट करें, हमारा नुमाइंदा जाएगा ऑन योर बिहाफ, ऑन योर बिहाफ एज योर नॉमिनी, वो लंदन में भी, बीवीआई में भी, पैनामा में भी, जहां जाने की जरूरत होगी वो डिस्कवर करेगा डॉक्यूमेंट्स, डिस्कवरी के लिए इनको फोर्स करे, ये तो क्योंकि एडमिट कर बैठे हैं। अच्छा, ये हमारे पैनामा, ये इंपॉर्टेंट है, आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने हक में इनसे पावर ऑफ अटर्नी लिखवाए कि वो नॉमिनी के हक, अपने नॉमिनी के हक, जो भी नुमाइंदा वो इन्वेस्टिगेटिंग या फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए मुकर्रर करें उसके हक में वो अथॉरिटी लें कि वो जाए और इन डॉक्यूमेंट्स को वहां से ढूंढ के निकाले, लेके आए सारे डॉक्यूमेंट, नेस्कॉल की ओनरशिप के सर्टिफिकेट्स, नीलसन की, मिनर्वा की, ये लेके आए। वो कुंभर आ गई है, फ्लैगशिप होल्डिंग्स हैं इनके, इनसे ये एफिडेविट लें कि कौन कौन सी कंपनीज हैं आपकी, और उनके पे अगर अगर सुप्रीम कोर्ट ट्रायल करना चाहती है इसका, कर सकती है सुप्रीम कोर्ट, कर सकती है, ये उसके दायरा इख्तियार है, 1843 के तहत अनलिमिटेड इख्तियार आते हैं, एंड देन देयर इज आर्टिकल 187 टू डू कंप्लीट जस्टिस, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियार है। अच्छा, 1843 के तहत आप कहते हैं अनलिमिटेड इख्तियार है, और 187 साथ में ला के अब उसको पूरा इंसाफ भी करना है, पूरा इंसाफ, अधूरा नहीं छोड़ सकते, नहीं अधूरा नहीं, और ये सुप्रीम कोर्ट खुद अपनी ज्यूरिसडिक्शन को वजह करती है, खुद इस्टेब्लिश करती है। देखें सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है, कह रही है कि मटीरियल बहुत आ गया, एविडेंस नहीं है। हाँ, ये कल उन्होंने कहा। अब मटीरियल को एविडेंस में कन्वर्ट करना इस मामले में तो सुप्रीम कोर्ट का काम है, वो मुद्दई नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ये काम कर क्यों नहीं रही? क्योंकि एक चीज़ से मैं समझने से कासिर हूँ, दो दिन जमात इस्लामी के वकील की बहुत क्लास हुई, मुझे लगा सुप्रीम कोर्ट ने अपना भी वक्त ज़ाया किया और वो वकील साहब ने भी पाकिस्तान का वक्त ज़ाया किया। उनसे तरीकाकार बोले कि लाओ भाई ये तरीकाकार है, बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स लाओ, डिटेल्स लाओ, प्रॉपर्टी का असल डॉक्यूमेंट जमा कराओ। देखिए 1970 एक चीज़ तो लाजिम है ना, बाकी को छोड़ भी दे तो लाजिम, 1978 से 2006 हर शरीफ खानदान के हर फर्द के तमाम बैंकिंग, बैंक रिकॉर्ड्स एंड टैक्स रिकॉर्ड्स, जो उतना जितना टैक्स दिया हुआ है और जितने बैंक अकाउंट्स, जितने भी बैंक अकाउंट्स, उनका एक एक दिन की स्टेटमेंट वो मंगाएं, उनको जमा करें, उसमें से इस्टैब्लिश करें। मनी ट्रेल ये है, establish with facts, जो हार्ड एविडेंस है वो सामने रखें, फिर establish देखे करें। ना कतरी खत से ना establish करें, कतरी खत से ना establish करें, पर्चियों से ना establish करें, हुंडी के साथ जरिए ना establish करें, हुंडी या पर्ची हो गया तो वो तो इलीगल काम हो गया, वो तो मनी लॉन्ड्रिंग आ गई, वो तो मनी लॉन्ड्रिंग आ गई, बिल्कुल क्लियर मनी लॉन्ड्रिंग आ गई, वो तो उसमें फंस गए। तो इसकी जब तक जज इस मामले को इस तरह नहीं लेते कि अब बारे सबूत, ये सब मान गए हैं कि बारे सबूत मियां खानदान पे है, सिर्फ ये कहते हैं जी बेटे का नाम है, बाप का नहीं। एसेट्स केसेस, करप्शन के जो एसेट्स केसेस होते हैं, और बीसियों इस वक्त चल रहे हैं अदालतों में, बीसियों और सैकड़ों चले हैं गुज़श्ता 20 साल में, उसमें अगर बेटे की प्रॉपर्टी, बेटे के 3 घर
डीएचए में बेटा पाए जाए कि तीन घर का मालिक है और बाप होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस हो, वो आईजी हो, डीआईजी हो, वो डीसी हो, वो एसपी हो, वो एमएनए हो, वो सेनेटर हो, बाप को पकड़ा जाता है। तो यहां भी नवाज शरीफ साहब को पकड़ा जाएगा और कम से कम सवाल तो करें। प्राइम मिनिस्टर है, मैं नहीं कहता हूं चलो गिरफ्तार करें, पर अगर ये पीपुल्स पार्टी का प्राइम मिनिस्टर होता तो नैब ने हल्ला बोल के गिरफ्तार कर लेना था। वो शाबुद्दीन हमारा नॉमिनेट हुआ था, अभी एफिड्रीन का उनके ऊपर उसी दिन इल्जाम लग गया, अभी नॉमिनेट हुआ था और उसको उसके गिरफ्तारी के वारंट जारी हो गए थे। तो ये मैं गिरफ्तारी की बात नहीं करता हूं, पर मैं ये कहता हूं कड़ा पैमाना, कड़ा और डायरेक्ट ये बर्डन ऑफ प्रूफ नवाज शरीफ पे है। एक एक वो कहते हैं मैंने कारोबार किया कतरियों के साथ, वो कारोबार को साबित करने के लिए एक हाथ तो नहीं है। कारोबार में पैसे आते रहे, पैसे जाते रहे, अकाउंट्स में जाते रहे, इसके अकाउंट्स में उधर से, ये कहते हैं एक और मजाक देखें जिसको मुझे नहीं समझ आती किस तरह टॉलरेट किया गया है कोर्ट की जानिब से। मैं ये कोर्ट की जानिब से कह रहा हूं को किस तरह टॉलरेट किया गया, क्या जी 52 करोड़ का कर्जा इधर दे दिया, उधर से कर्जा उधर चला गया, फिर कर्जा बेटे ने बाप को दिया, बाप ने बेटी को दिया, बेटी ने जमीन खरीदी, वो पता नहीं खबर नहीं क्या। ये अगर ये मान लेना मान लिया जाए, ये अगर मान लिया जाए, मैं समझता हूँ इस तौफीक आसिफ की जो तस्दीक की है जजेज ने वो फ्रेंकली मैं समझता हूँ नाजायज थी, गलत थी। एक सीनियर वकील अपनी बहस कर रहा है, पेश कर रहा है, उसको आप उखाड़ दें। आप पहले ये तो करें कि ये जो चीज़ें जिस चीज़ पे आपको गिरफ्त करनी है वो ये है कि कतरी अगर बिजनेस है तो बिजनेस उनसे पूछें कौन सी बिल्डिंग्स बनाई आपने। रियल एस्टेट की बिजनेस में 26 साल शरीफों का पैसा रहा, और कोई भी लीगल बिजनेस बैंकिंग ट्रांजैक्शन का कौन नहीं सा होता। शरीफ कतर में बैठ के वो कारोबार चलाता रहा, और कौन से बिल्डिंग्स बनी, कौन से प्लॉट बने, कौन सा उन्होंने रेगिस्तान को नखलिस्तान बना दिया, नखलिस्तान बना दिया उसमें कौन सा, और फिर कौन कौन और पार्टनर था, कौन इंजीनियर था, ये अभी पूछ लें, ये पूछ लें। क्योंकि अब मैंने बात कर दी ना, आप ये पहली दफा मैं बात कर रहा हूं, ये वो कतरियों से और बिल्डिंग्स के नक्शे भी बनवा लेंगे और ये और कुछ करेंगे, ये इनसे सबसे पहले पूछा जाए। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस का काम है, ये तो बुनियादी सवाल है जो वो कर नहीं रहे, बुनियादी सवाल है जो नहीं हो रहा है। एंड आई एम सेइंग दिस ऑन द रिकॉर्ड, दुनिया जहान की सारी बातें हो गई हैं, ये बात नहीं हो रही। बात हो रही है, वो ICIJ कहती है ये कंपनी के बेनिफिशियल है, वो कहते हैं बेनिफिशियल नहीं है, बस ये पाकिस्तान के 10 महीने इसमें लग गए हैं, वो कहते हैं ये मालिक है मरियम, वो कहते हैं नहीं ये मालिक नहीं है मरियम, वो इससे आगे चलो यार, कोई यार एस्टेब्लिश करो या फिर ना करो काम, ना करो ये तो। और ये मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं बड़ा सिंपल केस है, बड़ा ही सिंपल केस है। इसमें अगर नवाज शरीफ और अल्लाह करे खुदा करे वो पूरी मनी ट्रेल जिसका मैं बता रहा हूं, टैक्स की पूरी ट्रेल, पैसे की पूरी ट्रेल, बिजनेस की पूरी ट्रेल, ओवर 26 ईयर्स वो सारी पेश कर दे और सुर्खरू हो, काश मेरा वजीर आजम सुर्खरू हो, मुझे इससे कोई, लेकिन सुर्खरू होगा तो इस तरह होगा, वरना ये लोग जजों से भी पूछेंगे कि ये क्या आपने, किस तरह आपने मुकदमा चलाया। ये अब लोग अवेयर हैं। इतराज़ साहब, इसका फैसला जजेस पे भी बड़ा भारी होगा, अगर बैंकिंग ट्रांजैक्शंस पूरी हुई फिर तो मियां साहब को गुंजाइश वो दे सकते हैं, बिल्कुल देना अगर चाहिए, रिकॉर्ड पूरा नहीं हुआ तो गुंजाइश देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सर नदीम साहब, जब बारे सबूत जिस पे होता है ना, उसने उस हर कड़ी को साबित करना पड़ता है, हर कड़ी को मजबूत एविडेंस के साथ शहादत। आज एक जज साहब ने बोला भी है कि कड़ियां हम खुद मिला लेंगे, कड़ियां मैं आपको मैं ये पहले कह चुका हूं,
कड़ी मतलब एक चेन जो पूरी है उसको मजबूत लिंक्स के साथ, ये नहीं हो सकता कि आपने एक चेन के साथ, एक जंजीर के साथ, लोहे की जंजीर के साथ भैंस को बांधा हुआ और एक कड़ी उसकी धागे की हो। वो तो द स्ट्रेंथ ऑफ द चेन लाइज इन द वीकेस्ट लिंक। वो तो भैंस गई, ये वैसे भैंस निकली जा रही है। मैं एक ब्रेक ले लूं, ऑल राइट इसमें ले वो ले। जो धागा है वो कतरी खत है। मैं वापस आ जाऊं तो दो सवाल आपसे पूछने हैं कि एक तो दादा को सारे पोतों में हुसैन ही इतना अजीज क्यों था कि सारा कुछ ला के उसको दे दिया, ना शहबाज शरीफ के बच्चों को दिया, ना अब्बास शरीफ मरहूम अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए, ना उसकी औलाद को कुछ दिया, सिर्फ हुसैन को ही सारा कुछ दे दिया। और फिर जो कतरी प्रिंस हैं अलसानी साहब, उनको 2006 में वन फाइन मॉर्निंग वो उठे, उन्हें ख्वाब आई कि मियाँ शरीफ साहब ने कहा था सारा कुछ हुसैन को दे दो, और मियाँ शरीफ साहब 2004 में वफात पा अल्लाह चुके। को प्यारे हो चुके। तो एक ब्रेक ले लें, दोनों का आपसे जवाब पूछते हैं, हमारे साथ रहिएगा जी, एक शॉर्ट ब्रेक ले लें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तस्वीर में आपके साथ मैं हूं मेरीन सफ़ैन। नाज़रीन, पनामा केस मियां शरीफ के तर्के की तफसीलात तलब कर ली गई, इस पर हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। साथ ही साथ पाकिस्तान में करप्शन कम हुई है, एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट का जायजा भी लेंगे। खित्ते में भारतीय बालादस्ती अमरीका कायम करना चाहता है, ये भी आज के प्रोग्राम में जानिएगा। सुप्रीम कोर्ट में पनामा केस पर दरख्वास्तों की समाअत के दौरान वज़ीर आज़म की साहबजादी मरियम नवाज के वकील शाहिद हामिद पेश हुए, कहा कि मरियम नवाज की कोई बैरून मुल्क जायदाद नहीं, लंदन फ्लैट्स उनके भाई की मिल्कियत है, जबकि उनके भाई भी ये कहते हैं कि ये जायदादें उनकी हैं। उन्हें वालिद के जेर कफालत कहा जा रहा है, हालांकि ऐसा नहीं है, ऐसा सिर्फ इसलिए कहा जाता रहा ताकि उनके वालिद को जायदादों के मामले में मुलव्वस किया जा सके। वाज़ह है कि सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे समाअत पनामा केस में गुज़श्ता रोज़ जमात इस्लामी के वकील तौफीक आसिफ साहब भी पेश हुए थे, वो दलाइल देते रहे, उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल किए, जिसके बाद आज से मरियम नवाज के वकील शाहिद हामिद ने दलाइल का आगाज़ किया। अब शाहिद हामिद साहब का अदालत को ये कहना था कि मरियम नवाज आम शहरी है, जबकि ये अवामी अहमियत का मामला कैसे हो सकता है। इस पर जस्टिस एजाज अफजल ने रिमार्क्स दिए कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की हद तक मामला अवामी अहमियत का है, अदालत मुतनाज़े हकायक पर फैसला दे सकती है, मुतनाज़े हकायक पर फैसला शवाहिद रिकॉर्ड करने से हो सकता है। मरियम नवाज अपने वालिद के जेर कफालत नहीं है, शाहिद हामिद का ये कहना था, जिस पर जस्टिस एजाज उल हसन ने कहा कि इल्जाम ये है कि मरियम नवाज अपने वालिद की नुमाइंदगी कर रही है। जस्टिस खोसा ने कहा कि फरीकैन के पहले जवाब में कतरी खत का जिक्र नहीं था, जिन्नी जवाब में जिक्र किया गया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से बात करते हुए दानियाल अजीज ने एक अखबारी खबर कोट करते हुए जांगी तरीन पर क्या इल्जाम लगाए, जरा ये पहले सुनिए। ये देखे, एक अरब 647 करोड़ के गिफ्ट जो है, ये जांगीर तरीन ने अपने नाबालिग बेटी को, बेटी ने भाई को, भाई की अम्मी को, अम्मी ने खामंद को, खामंद ने फिर बेटे को, ये कलीमुल्ला से सलीमुल्ला नहीं है। आज ये कह रहे हैं कि ये हमारे टैक्स रिटर्न में है, तो जो हुसैन नवाज ने गिफ्ट दिए या मरियम नवाज ने गिफ्ट एक्सेप्ट किए हैं, क्या वो उनके टैक्स रिटर्न में नहीं है? आप कितनी देर अवाम की आंखों में धूल झोंकोगे? खुद तुम्हारा 1983 में ऑफशोर निकल आया, इतने घाग और शातर आदमी हो तुम। ये बिल्कुल सही लफ्ज इस्तेमाल किया इलेक्शन कमीशन ने आपके लिए कि आप फिल्थी और अनसिविलाइज्ड आपका रवैया है। जी, जांगी तरीन साहब के हवाले से दानियाल अजीज साहब क्या कह रहे हैं ये तो आपने सुना। इसके अलावा हम बात करेंगे कि नून लीग, जिसका कि ये कहना है कि तहरीक इंसाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रही है और इमरान खान के जलसों पर उन्होंने इल्जाम लगाया है, मगर दूसरी तरफ खुद नून लीग की रहनुमा जो है वो किस किस्म के बयान दे रहे हैं, जरा ये भी सुन लीजिएगा। नवाज शरीफ की किताब के सारे सफ़े पूरे हैं, अगर किसी को वो सफ़े पढ़ने नहीं आते तो हमारा कसूर नहीं है,
जिन्हें वो सफ़े नज़र नहीं आते वो आंखें खोल के उन सफ़ों को पढ़ें, तजहीक ना करें, तजहीक नहीं करवाएंगे। नवाज शरीफ किसी कमज़ोर और चबाए जाने वाले चने का नाम नहीं है, और जो हमें चबाने की कोशिश करेगा उसके दांत टूट जाएंगे, हम लोहे के चने हैं। अगर तुम समझते हो ना कि सुप्रीम कोर्ट से तुम ताबूत निकालोगे तो फिर इस मुल्क में हर गली चौक चौराहे से फिर ताबूत निकले। जी, हर गली चौक से ताबूत निकलेगा। आपने ख्वाजा साद रफीक को भी सुना, उन्होंने क्या कहा। इस तरह के बयान तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी दिया जा रहे हैं। इन सब पर हम गुफ्तगू करेंगे। आज पैनामा केस में क्या हुआ इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ आज प्रोग्राम में शामिल हैं नून लीग से मियां जावेद लतीफ साहब, तरीक इंसाफ से शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ है, पीपल्स पार्टी के क्यूम सुमर साहब हमारे साथ मौजूद है। जी जावेद लतीफ साहब, आप क्या कहेंगे? एक तरफ आप लोग इस्तिस्ना कहते हैं, हम मांगेंगे नहीं, लेकिन इस्तिस्ना का जिक्र कर देते हैं। मरियम साहिबा का जवाब दाखिल होता है, लेकिन साथ ही सबसे पहली बात यह आ जाती है कि वो एक आम शहरी हैं और ये अवामी अहमियत का केस नहीं है, तो फिर ये क्या कहने की कोशिश की जा रही है? बात को शुरू करने से पहले खत्म कर दिया जाए। देखें मरियम, बात यह है जब हम ये बात करते हैं तो उसकी बैकग्राउंड भी एक है। बैकग्राउंड ये है कि अगर आप ये कहें कि कोई चोरी हुई है, जिस तरह कहते हैं रंगे हाथों पकड़े गए, जिस तरह कहते हैं डाकू हैं, जिस तरह कहते हैं कि पैसा लेके, भाई अगर टैक्स चोरी किया है तो उसका सबूत दें, अगर जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है अगर तो उसका सबूत दें, अगर आप ट्रेल मनी ट्रेल का आप जिक्र करते हो तो वो आप सबूत दे रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर एक सेकेंड के लिए ना, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर तो ये केस ट्रायल ना होता कोर्ट में तो मेरे जहां चाहे आप बात करते चौकों चौराहों में कंटेनर पर खड़े होकर, हमारी जिम्मेदारी थी कि हम उसका जवाब देते। एक जिस तरह आप खुद कह रही हैं कि एक कोर्ट लगी हुई है कमरा अदालत में और एक कोर्ट लग जाती है बाहर आके, आप अगर इतना सब्र कर लो कि एक ट्रायल हो रहा है, अगर आपके पास कुछ सबूत है हम जो कुछ कह रहे हैं उसके खिलाफ, हमारे बातों के खिलाफ कोई आपके पास कोई चीज है। जावेद लतीफ साहब, ये तो आप कहते हैं ना कि सबूत दे रहे हैं, अदालत तो मुसलसल कह रही है, जस्टिस साहब बैठ के अदालत में बार बार कह रहे हैं सबूत दे सबूत दे सबूत दे। अच्छा। ना आप दे रहे हैं ना वो दे रहे हैं। अच्छा। आप उनकी बात तो चले छोड़े, आप लोग जो कहते हैं, आप अभी यहाँ बैठ के कह रहे हैं सबूत दे रहे हैं, कौन से सबूत है जो अदालत को तो नजर नहीं आते? मैं अर्ज करता हूँ, अब आ जाए आप जो कोर्ट की बात कर रही है कि कोई थ्रेड देता है कोई नून से कोई काफ से कोई दाल से कोई पीटीआई से, जो बाहर आके जलसों जुलूसों में जो बातें की जा रही हैं, भाई अगर बात आप करते हो कमीशन बनाने की, आप जुडिशल कमीशन का आपने जिक्र किया वो बन गया, अब आप आ गए पनामा पेपर्स के हवाले से। पनामा पेपर्स के हवाले से अगर आप पहले तो कहते रहे हो कमीशन बनना चाहिए, जब कमीशन की कोर्ट ने बात की तो आप उस पर कहते हो कि हम एक सेकंड के लिए, वो बात तो गुजर गई। अच्छा, ना जावेद साहब, करंट सिचुएशन पे आते हैं ना, यहाँ पर आप जब बात का आगाज करते हैं इस्तिस्ना से करते हैं, बात का आगाज करते हैं अवामी से अहमियत का हामिल नहीं है ये केस। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि अभी कल की बात है कि इलेक्शन कमीशन ने जो कुछ कहा इमरान खान साहब के मुतल्लिक, भाई दो दिन पहले आप माफी मांगते हो वकील के जरिए और उसके बाद कहते हो मैंने माफी मांगी नहीं। इसी तरह आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट है ना, उनको तो कहा गया अभी इसके ऊपर बात की नहीं जा सकती। अच्छा, उन्होंने तो कागजात भी जमा करा दिए। आपको कानून इजाजत देता है आप स्टे ले लेते हो, कानून में गुंजाइश है, अगर कोई दूसरा लेता है तो आप उसको गलत कहते हो, ये कहाँ का भाई इंसाफ है? आप इसी तरह आप किसी स्टे के पीछे छुपते हो तो दूसरा कोई स्टे ले ले तो वो कहते हो गलत है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर उनकी प्ली तो ये थी ना कि अभी सुप्रीम कोर्ट में ये केस जेरे बहस है, और दूसरा ये कि ये आपको इजाजत नहीं कि इस तरह से आप उनके इन असासों की जांच पड़ताल करें। चले ये एक अलग मामला है, हम इस तरफ जरा आ जाते हैं ना, हम फिर डेविएट कर जाएंगे। हमारे साथ शौकत यूसुफजई साहब भी है, जरा उनकी तरफ भी जाते हैं फिर आपकी तरफ वापस आएंगे। जी शौकत साहब, आज जिस केस का आगाज होता है और इसमें उनके वकील की जानिब से ये कह दिया जाता है कि ये अवामी अहमियत का जो है केस जो है नहीं है, क्योंकि मामला कैसे हो सकता है कि मरियम नवाज जो है वो आम शहरी है, अब ये सवाल उठा दिया गया, वही बात के पहले इस्तिस्ना की बात कर दी, अब ये बात कर दी, किस तरह मामला आगे बढ़ेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मामला बड़ा सिंपल है और पूरी दुनिया इस इंतजार में है कि जो एसेट्स इन्होंने बनाए हैं, जो साबित हो गए हैं, और साबित कहते हैं ना कैसे साबित करें, भाई साबित तो ये है कि एसेट्स हैं ना, फ्लैट्स हैं या नहीं है, फ्लैट्स मौजूद हैं और उसके आपने बताना है कि किस तरह बनाए, सिंपल से बात है। अब ये टेक्निकलिटी में चले गए हैं, टेक्निकल इश्यूज के जरिए अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि देखो इतना बड़ा सैंपल केस और इतना वाजे केस
इस पे ये कुछ हाँ इनके जो वज़रा के जो लैंग्वेज आप बदल रही है और जिस तरीके से ये डिफेंड करने जा रहे हैं शरीफ फैमिली को, उससे बिल्कुल पता चल रहा है कि ये बुकला गए हैं और इनको शिकस्त नज़र आ गई है। जिस तरीके से ख्वाजा आसिफ यानी मैं मुझे मुझे अल्फाज नहीं आते हैं कि मैं उनके बारे में क्या कहूँ, और ख्वाजा साद रफीक और तिलाल चौधरी और पता नहीं दानियाल अजीद, इतने वो कितने डिफेंड के लिए रखे हैं इन्होंने, और जिस तरीके से ये लोग पालिश लगा के बात करते हैं ना, मैं तो हैरान हो जाता हूँ यार। अब वफाकी वज़रा इस तरह होते हैं, एक फैमिली पे करप्शन का इल्ज़ाम लगा है और आप लोगों को तनख्वाह मिलती है पाकिस्तान। ये बताएं, आज अदालत में एक और बात भी की शायद आमिर साहब ने, उस पर भी जरा कमेंट करें ना। उन्होंने कहा कि अगर मरियम नवाज जो है अपने वालिद के जेर कफालत नहीं है तो लंदन के फ्लैट्स उनके हों भी तो क्या फर्क पड़ता है, उनकी जायदादें बाहर हों भी तो क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मनी ट्रेल तो फिर भी जानती है ना कि उनके पास वो पैसा कहां से आया, शायद वो उन्हीं गिफ्ट से आया जिनसे कि उन्होंने बाहर जायदादें बनाई। क्या ये अब स्टैंड लेना कि चूंकि वो जेर कफालत नहीं है तो जहां मर्जी उनकी जायदादें हो कोई सवाल नहीं किया जा सकता? नहीं नहीं देखे ये आप सही कह रही है, पाकिस्तान में अब तक इसके बारे में नहीं पूछा जाता रहा, इसलिए लोगों को आदत नहीं है ना। वो ये समझते हैं कि पता नहीं इमरान खान ने कौन सा केस उठा के सामने ले आया है, आदत नहीं है ना कि जी करप्शन के बारे में आप क्यों पूछते हैं। बात ये है देखें, ये इनके बच्चे हैं, ये पहले तस्लीम कर रहे हैं ना कि बच्चे हैं, अगर नहीं करते हैं तो अलग बात है, लेकिन जब तस्लीम करते हैं कि बच्चे हैं और अल्लाह के फजल करम से जब ये बच्चे इतने छोटी उम्र में जब अरबपति बनते हैं तो जवाब तो देना पड़ेगा, क्योंकि आप इकतदार में थे। अगर आप इकतदार में नहीं रहे होते, तीन तीन दफ़ा वज़ीर आज़म ना बने होते तो शायद आपसे भी ना पूछा जाता, लेकिन आप इस मुल्क के तीन बार प्राइम मिनिस्टर बने। अच्छा, जो आपके एसेट्स सवाल जहन में आ रहे हैं क्योंकि आज जो शायद हामिद साहब के दलायल सुने, जिस वक्त शौकत साहब एक सवाल जरा करना है मियां जावेद लतीफ साहब से, जो जिस तरह के दलायल आज शायद हामिद साहब ने दिए वहां पर, जिस तरह उन्होंने पहले ये बात कर दी कि एक आम शहरी है, अवामी अहमियत का ये केस नहीं है, ये बात कर दी। फिर उसके बाद जब कैप्टन सफदर की बात आई और उनके टैक्स रिटर्न फाइल ना करने की बात आई, और जब उसके ऊपर शायद हामिद साहब ने ये कहा कि जी टैक्स रिटर्न फाइल ना करने की वजह से उनको ना अहल तो करार देने का सवाल ही नहीं पैदा हो सकता, तो वैसे एक सवाल जहन में आता है कि ये तमाम जो वकील साहब के दलायल थे, मरियम नवाज के जो वकील हैं, क्या वो इखलाकियात के दायरे से बाहर नहीं महसूस होते? जायदादें जहां मर्जी बनाए क्या फर्क पड़ता है, आप टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करें तो नायल नहीं करार दिए जा सकते, ये सब बातें क्या जाहिर कर रही हैं? मुझे आप एक सवाल का जो आपने खुद किया है इसी का आप जवाब दें। मुझे ये बता दें कि आपने मुझसे कानून के मुताबिक आप लड़ेंगे ना, मुझसे आप कानून के मुताबिक मुझे सजा जजा दोगे, ये तो नहीं हो सकता ना कि आपकी ख्वाहिश के मुताबिक जो पाकिस्तान का लॉ है, पाकिस्तान का कानून है, पाकिस्तान का टैक्स का कानून है, उससे आप हट के मुझे अपनी ख्वाहिश पर सजा दे दो। आपका जो हाँ ये बात आपकी दुरुस्त है कि अगर आपका लॉ आपको इजाजत नहीं देता तो आपने बाहर कोई प्रॉपर्टी बनाई है तो मैं आम हूं या खास हूं, मुझे सजा मिलनी चाहिए। और अगर आपका देखिए कानून कानून के दायरे की आप बात कर रहे हैं, लेकिन इखलाकियात भी तो कोई चीज है। अगर आपको आज अदालत जो है वो इस केस को रूल आउट कर देती है और शरीफ फैमिली जो है अगर वो ये साबित किए बगैर कि वो बिल्कुल साफ है क्योंकि सबूत क्लियर नहीं है, अगर आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अदालत जो है केस को आउट कर देती है तो इखलाकियात के दायरे में आते हुए मुस्लिम लीग नून अपने 2018 के इलेक्शन में नहीं खड़ी हो सकती उस तरह। मेरीन अब आज अखलाकियात पे, जब अखलाकियात का जिक्र आएगा तो 1970 का भी जिक्र आएगा, 1971 का जिक्र आएगा, जब आपने पाकिस्तान के जो आप ये कहना चाह रहे हैं कि सब गलत करते रहे तो हम ना, भी करते ना, रहे। गलत नहीं, मैं ये कहता हूं कि अखलाकियात कहां थी जब पाकिस्तान के इंडस्ट्रियलिस्ट को यहां से रुसवा करके पाकिस्तान से बाहर भिजवाया गया, जब वो खरबपति को एक दमड़ी भी ना दी गई। तो वो पैसे पूरे किए जा रहे हैं, जावेद लतीफ साहब एक ब्रेक लेनी है, चलिए एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आते हैं, यही मुझे ये जवाब दे लेने दे, मुझे मुझे एक ये जल्दी, आप जो कह रही है ना ये बात गलत है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान का इंडस्ट्रियलिस्ट हो, पाकिस्तान का कुछ सरमायाकार हो, पाकिस्तान का जरा से तलक रखने वाला हो,
मुहिब्बे वतन होता है, आप उसको इस तरह गाली दे के, इस तरह उससे प्रॉपर्टी उसकी छीन कर, आप ये नहीं कह सकते कि अखलाकियात यही है कि आप यही रहो, आप कुछ बनाओगे नहीं। आपकी बात पहुंची, आप ये कहना चाह रहे हैं कि चूंकि उनके साथ शायद गलत हुआ था तो फिर आपके साथ अब क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया जावेद लतीफ साहब, आपका बहुत शुक्रिया शौकत जोशी सईद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो आपको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट सुनाएंगे। खबर तो है लेकिन हैरतअंगेज खबर है जिसके मुताबिक पाकिस्तान में करप्शन में कमी के इशारे मिल रहे हैं। इस पर बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। हमने चौधरी इतजाज़ साहब बाकी बातें तो की, एक बड़ा मसला था जो क्राइसिस लाइक सिचुएशन थी अभी फॉर्मर आर्मी चीफ के वक्त, फॉर्मर DGISI के वक्त एक खबर छप गई थी और उन्होंने कहा कि ये तो सिक्योरिटी ब्रीच हो गया, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद बयान आ गया था। अभी हमारे पास ताज़ा तरीन अपडेट ये है कि वो जो कमेटी बैठी प्रोब कर रही थी उनके ख्याल में उसके अंदर कोई इन्वॉल्व नहीं था, परवेज़ रशीद ने बस उसमें कहली दिखाई वो खबर रुकवाने में, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को कह रहे हैं खबर रुकवाने में अच्छा काम नहीं किया, बाकी सब लोग साफ सुथरे हैं। खबर लीक कैसे हो गई ये बताइए मुझे, सिक्योरिटी ब्रीच हुआ कैसे? खबर तो 8 आदमी थे उस मीटिंग में, 2 फौजी थे, 6 सिविलियन थे, और खबर बेसिकली ये थी जो जिसको डिनाई किया गया, पर ये कि हमारी एजेंसीज जो हैं ये नॉन स्टेट एक्टर्स की सरप्रस्ती करती हैं जबकि सिविलियन गवर्नमेंट ये चाहती है कि इनकी सरकोबी हो। ये खबर, ये खबर हेडलाइन छपी और ये इनडोर मतलब कॉन्फिडेंशियली हुई थी तो बाहर नहीं जानी चाहिए थी। पर मैं एक मिसाल आपको दूं जो मेरे सामने खुद हुआ, हम प्राइम मिनिस्टर ने कश्मीर पे की सिचुएशन पे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई, सारे मीडिया को बाहर भेज दिया गया, दरवाजे बंद हो गए और बाहर पट्टियाँ चलती रहीं हमारी, जो हम कहते रहे बाहर पट्टियाँ चलती रहीं। वो कैसे तो जाहिर हुआ जब ज़ुबैर साहब जो इनके स्पोक्समैन हैं, वो ज़ुबैर साहब ने शाह महमूद साहब को कहा, उनकी तकरार हुई एक प्रोग्राम पे, तो शाह महमूद साहब ने कहा मैंने ये ऐसा नहीं कहा भाई APC में। ज़ुबैर साहब ने कहा आपने कहा है? उन्होंने कहा मैंने नहीं कहा। उन्होंने कहा मैंने सुना है। उन्होंने कहा आपने कब सुना है? उन्होंने कहा मैंने वह मीडिया सेल में बैठा सुन रहा था। तो सर वो कैसे सुन सकते हैं वहाँ बैठ के? ये तो उनकी वीडियो या ऑडियो लिंक्स वगैरह होंगे ना, ये तो TV पे आपने भी चलाया 2-3 दफ़ा। वो इन कैमरा सेशन जो था आपका ख्याल है जिसमें आर्मी चीफ और ISI वाले और प्राइम मिनिस्टर और हमारे डिफेंस वाले बैठे डिस्कस कर रहे थे था, तो वो मीडिया सेल इनका सुन रहा होगा, तो फिर उसमें से किसने लीक कर दी? वो तो फिर मीटिंग से बाहर ही चली गई, खबर पहले से ही चली गई। इतजाज़ साहब मेरे पास वक्त खत्म हो गया, हम इस टॉपिक को यहीं छोड़ना पड़ेगा। चौधरी इतजाज़ हसन साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में आप हमारे साथ। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।